सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट ज्ञान मनोज चेस। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया के टॉप माइनक्राफ्ट गेमर के कार कलेक्शन, बाइक कलेक्शन और इनके नेटवर्थ इनकम को। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, हो सकता है इस लिस्ट में आपका भी कोई फेवरेट माइनक्राफ्ट गेमर हो। तो गाइस इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं, केवल 5K लाइक का एम रखते हैं। आई होप आप इसे इजीली कंप्लीट करवा दोगे। तो गाइस बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली इसी तरह की न्यू अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस हमारे इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं मिथ पैड, यानी कि मिथिलेश पाटनकर, और ये एक 23 वर्षीय गेमर है और ये अपने चैनल पर बहुत से गेम के गेम प्ले वीडियोज अपलोड करते हैं, और इनके चैनल पर ज़्यादातर लोग माइनक्राफ्ट और GTA 5 के वीडियोज देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री भी करते हैं, लाइक अक्षय, ऋतिक, शाहरुख, इसके अलावा और भी एक्टर्स की मिमिक्री कर लोगों को इंटरटेन करते हैं, जिसके चलते आज के समय इनके यूट्यूब चैनल पर 12 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और वही इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके कार कलेक्शन में एक वोल्सवैगन एमेगो कार है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 10 लाख रुपीस के करीब, और वही इनके पास में सेकेंड कार है टाटा सफारी, जो कि इन्होंने हाल ही में ली है और इसकी इंडिया में 16 लाख रुपीस के करीब प्राइस है। और वही इनके बाइक कलेक्शन की बात करें, इनके बाइक कलेक्शन में एक रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 बाइक है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 2,50,000 के करीब, और वही इनके पास में सेकेंड बाइक है रॉयल इनफील्ड हिमालया, जिसकी प्राइस है इंडिया में 2,40,000 के करीब। जैसा कि गाइज ये अपने यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और इनके पर वीडियोस पर करीब 3-4 मिलियन के करीब व्यूज़ आते हैं, जिसके चलते गाइज ये अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने का करीब 8-10 लाख रुपीस अर्न करते हैं। इसके अलावा गाइज इनके इनकम के और भी सोर्सेस है, लाइक यूट्यूब रेवेन्यू, गूगल पे, सुपर चैट्स, सब्सक्रिप्शन, स्पॉन्सरशिप से भी कमा लेते हैं। और वही इनके नेटवर्थ इनकम की बात करें तो गाइज इनकी जो नेटवर्थ इनकम है वो करीब 8-10 करोड़ रुपीस के करीब है। तो गाइस अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं एंड्रो बी, और इस चैनल के ओनर हैं नवीन यादव। ये एक 18 वर्षीय वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर माइनक्राफ्ट गेम प्ले के कंटेंट क्रिएटर है, और आज के समय इनके यूट्यूब चैनल पर 2.2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और वही इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके कार कलेक्शन में एक टाटा नेक्सो यूवी कार है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 18 लाख रुपीस के करीब। और वही इनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो इनके बाइक कलेक्शन की कोई जानकारी ज्ञात नहीं है। इसके अलावा इनके इनकम की बात करें तो जैसा कि गाइस इनके यूट्यूब पर 2 चैनल हैं, और इनके पर वीडियोस पर करीब 1-2 मिलियन के करीब व्यूज़ आते हैं, जिसके चलते ये अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने का करीब 3-4 लाख रुपीस अर्न करते हैं। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था इनके इनकम के और भी सोर्सेज है, लाइक यूट्यूब रेवेन्यू, गूगल पे, सब्सक्रिप्शन, स्पॉन्सरशिप्स, ऑल इंक्लूडेड स्पॉन्सरशिप्स, जिसके चलते इनकी जो नेटवर्थ इनकम है वो करीब 1-2 करोड़ रुपीस के करीब है। तो गाइस अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं द रॉक कैनी गेम, यानी कि रॉनी दास गुप्ता, और ये एक 27 वर्षीय वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेमर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो कि अपने गेमिंग से बहुत ही ज़्यादा लोगों को इंटरटेन करते हैं, जिसके चलते आज के समय इनके यूट्यूब चैनल पर 3.6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। गाइज वही इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके कार कलेक्शन में एक महिंद्रा 300 SUV कार है, जिसके प्राइस है इंडिया में 9 लाख रुपीस के करीब। और वही गाइज इनके पास में जो सेकेंड कार है वो है MG हेक्टर, जिसकी प्राइस है 18-20 लाख रुपीस के करीब। और वही गाइज इनके इनकम की बात करें तो गाइज ये हर महीने अपने यूट्यूब चैनल से करीब 3-4 लाख रुपीस अर्न करते हैं, इंक्लूडेड ऑल ब्रांड प्रमोशंस। और वही इनके जो नेटवर्थ इनकम की बात करें तो गाइज इनकी भी जो नेटवर्थ इनकम है वो करीब 2-3 करोड़ रुपीस के करीब है। तो गाइज अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं खतरनाक ईशान, और इस चैनल के ओनर हैं ईशान केडकर, और ये खास करके GTA 5 एंड माइनक्राफ्ट गेम प्ले के लिए जाने जाते हैं, और आज के समय इनके खतरनाक ईशान चैनल पर 1.4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है। और वही इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके कार कलेक्शन में एक मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा कार है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 11 लाख रुपीस के करीब।
और वहीं इनके पास में जो सेकेंड कार है वो है जीप कंपोस, जिसकी प्राइस है इंडिया में 25 लाख to 30 लाख रुपीज के करीब। एंड गाइस ये जो कार है इन्होंने हाल ही में परचेस की है। इसके अलावा गाइस इनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो इनके बाइक कलेक्शन में 2 एक्टिवा है और 1 कावासाकी निंजा 300 बाइक है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 3.5 लाख रुपीज के करीब। और वही गाइस इनके पास में एक वेस्पा स्कूटी भी है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 1.5 लाख रुपीज के करीब। तो गाइस ये है इनके कार कलेक्शन एंड बाइक कलेक्शन। तो गाइस अब हम देखेंगे इनके इनकम को। तो गाइस ये हर महीने अपने यूट्यूब चैनल से करीब 5 to 6 लाख रुपीस अर्न करते हैं। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था, इनके यूट्यूब पर टोटल 5 चैनल हैं और इनके हर वीडियोस पर करीब 1 to 2 मिलियन के करीब व्यूज आते हैं। और इनके यूट्यूब पर इनकम के और भी सोर्सेज हैं, इंक्लूडेड ऑल ब्रांड प्रमोशंस। और वही इनकी जो नेटवर्थ इनकम है वो करीब 3 to 4 करोड़ रुपीस के करीब है। और अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं लाइव इंसान, यानी कि निश्चय मलान। और ये एक 26 वर्षीय गेमर और रोस्टर है। इनके यूट्यूब पर टोटल 2 चैनल है, एक है टिग्रेड इंसान और एक है लाइव इंसान। इनके जो टिग्रेड इंसान चैनल है इस पर 16 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है। और वहीं इनके जो गेमिंग चैनल है लाइव इंसान, इस पर 9.2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है। और ये अपने गेमिंग चैनल्स में खास करके फनी कमेंट्री करने के लिए जाने जाते हैं। और वहीं इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके कार कलेक्शन में एक मारुति सुजुकी सीस कार है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 12 लाख रुपीस के करीब। और वही इनके पास में सेकेंड कार है होंडा एमएच, जिसकी प्राइस है इंडिया में 7,15,000 रुपीस के करीब। इसके अलावा इनके पास में जो थर्ड कार है वो है फोर्ड इको स्पोर्ट, जिसकी प्राइस है इंडिया में 9,60,000 रुपीस के करीब। वही गाइज इनके बाइक कलेक्शन में एक रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक बाइक है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 2,50,000 रुपीस के करीब। गाइज अब हम बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। जैसे कि गाइज इनके यूट्यूब पर 2 चैनल है और इनके यूट्यूब चैनल के हर एक वीडियोस पर करीब 5 to 8 मिलियन के करीब व्यूज है, जिसके चलते इनके यूट्यूब की जो मंथली इनकम है करीब 15 to 20 लाख रुपीस के करीब है, इंक्लूडेड ऑल ब्रांड प्रमोशंस। एंड गाइज वही इनकी जो नेटवर्थ इनकम है वो करीब 5 to 6 करोड़ रुपीस के करीब। गाइज अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं गेमर फ्लीट, यानी कि अंशु बीस्ट। ये एक 22 वर्षीय वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर माइनक्राफ्ट गेमर के कंटेंट क्रिएटर हैं और वही एक व्लॉगर भी हैं। इसके अलावा ये अपने गेमिंग वीडियोस में ज्यादातर फनी कमेंट्री करके लोगों को इंटरटेन करते हैं। और वही इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके कार कलेक्शन में एक टाटा हैरियर कार है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 22 लाख रुपीस के करीब। और वही इनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो इनके बाइक कलेक्शन में एक KTM ड्यूक 390 बाइक है, जिसके प्राइस है इंडिया में 3.5 लाख रुपीस के करीब। वही गाइज अब हम बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। जैसे कि गाइज ये अपने चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और इनके हर वीडियोस पर करीब 2 to 3 मिलियन के करीब व्यूज आते हैं। और इनके यूट्यूब पर टोटल 2 से 3 चैनल्स है, जिसके चलते ये अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने का करीब 7 to 8 लाख रुपीज के करीब अर्न करते हैं। और वह इनकी जो नेटवर्थ इनकम है वो करीब 4 to 5 करोड़ रुपीज के करीब है। जैसा कि गाइज ये हमारे द्वारा की गई एक एवरेज इनकम है, इनकी इनकम इससे ज्यादा या फिर इससे कम भी हो सकती है। तो गाइज अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं चपाती हिंदुस्तानी गेमर, यानी कि पम्मी भाई। और ये भी वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर माइनक्राफ्ट गेम प्ले के कंटेंट क्रिएटर हैं, जिसके चलते आज के समय इनके यूट्यूब चैनल पर 7.8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। और वही गाइज इनके कार कलेक्शन की बात करें, इनके कार कलेक्शन में एक मर्सिडीज बेंज GLB कार है, जिसकी प्राइस है इंडिया में 45 लाख रुपीज के करीब। और वही गाइज इनके पास में जो सेकेंड कार है और वो है ऑडी Q5, जिसकी प्राइस है इंडिया में 65 लाख रुपीस के करीब। और उसके अलावा गाइस इनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो गाइस इनके बाइक कलेक्शन की कोई भी जानकारी अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। इसके अलावा गाइस इनके इनकम की बात करें तो जैसा कि गाइस इनके यूट्यूब पर टोटल 4 चैनल्स है, इस पर हर वीडियोस पर करीब 2 to 3 मिलियन के करीब व्यूज आते हैं, जिसके चलते इनकी जो मंथली यूट्यूब अर्निंग है वो करीब 7 to 8 लाख रुपीस के करीब है। इसके अलावा गाइस इनके नेटवर्थ इनकम की बात करें तो गाइस इनकी जो नेटवर्थ इनकम है वह है 4 to 5 करोड़ रुपीस के करीब। तो गाइस अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं बीट बॉय शुभ, यानी कि शुभम सैनी। और ये भी माइनक्राफ्ट गेम प्ले के काफ़ी ज़बरदस्त और उमदा प्लेयर हैं। और आज के समय इनके यूट्यूब चैनल पर करीब 5.6 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। और वही इनके कार कलेक्शन की बात करें तो गाइस इनके कार कलेक्शन में एक मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा रेड कलर की कार है,
जिसकी प्राइस है इंडिया में 11 टू 13 लाख रुपीस के करीब। और वही इनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो गाइस इनके पास में एक रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक बाइक है जिसकी प्राइस है इंडिया में 2,50,000 के करीब। तो गाइस अब हम बात करते हैं इनके इनकम के बारे में, जिसके चलते ये हर महीने का अपने यूट्यूब चैनल से करीब 5 to 6 lakh रुपीस अर्न करते हैं। और वहीं इनकी जो नेटवर्थ इनकम है वो करीब 3 to 4 crore रुपीस के करीब है। एंड गाइस अब हमारे इस लिस्ट में नंबर सेकंड पर आते हैं यस स्मार्टी पा यानी कि हितेश कंगता, और ये भी बहुत ही लाजवाब गेमर है माइनक्राफ्ट गेम के। और इनकी जो गेम प्ले है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की होती है, जिसके चलते आज के समय इनके यूट्यूब चैनल पर 4 million से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और वही गाइज इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके कार कलेक्शन में एक महिंद्रा थार कार है जिसकी प्राइस है इंडिया में 15 to 17 lakh रुपीस के करीब। और वही गाइज इनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो गाइज इनके बाइक कलेक्शन की कोई भी जानकारी अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। और अब हम बात करते हैं इनके इनकम की, तो जैसे कि गाइज ये अपने चैनल पर माइनक्राफ्ट और GTA 5 गेम के वीडियोस अपलोड करते हैं, और इनके पर वीडियोस पर करीब 3 to 4 million के करीब व्यूज आते हैं, जिसके चलते ये अपने YouTube चैनल से हर महीने का करीब 3 to 4 lakh रुपीस अर्न करते हैं, इंक्लूडेड ऑल ब्रांड प्रमोशंस एंड स्पॉन्सरशिप। और गाइस इनकी जो नेटवर्थ इनकम है वो करीब 3 to 4 crore रुपीस के करीब है। तो गाइस अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं टेक्नो गेमर यानी कि उज्जवल चौरसिया, और ये एक 20 वर्षीय GTA 5 एंड माइनक्राफ्ट गेम प्ले के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेमर है, और ये खास करके GTA 5 गेम प्ले के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा गाइस ये इंडिया के टॉप 10 गेमिंग यूट्यूबर के लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं। और वही आज के समय इनके यूट्यूब चैनल पर 27 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और वही इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके कार कलेक्शन में एक MG हेक्टर कार है जिसकी प्राइस है इंडिया में 18 टू 20 लाख रुपीस के करीब। और वही इनके पास में जो सेकेंड कार है वो है होंडा सिविक कार जिसकी प्राइस है इंडिया में 15 लाख रुपीस के करीब। इसके अलावा गाइज मीडिया के अनुसार पता चला है कि इनके पास में एक लेम्बोर्गिनी कार भी है। गाइज आपको क्या लगता है, उज्जवल भाई के पास में लेम्बोर्गिनी कार है या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वही गाइज इनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो इनके बाइक कलेक्शन में एक रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक बाइक है जिसकी प्राइस है 2,50,000 रुपीस के करीब। और वही गाइज इनके इनकम की बात करें तो जैसे कि गाइज मैं आपको बता दूं, उज्जवल भाई के यूट्यूब पर टोटल 3 चैनल्स है, जिनमें से इनके मेन चैनल टेक्नो गेमर्स पर 27 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और इनके पर वीडियोज़ पर करीब 10 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जिसके चलते इनकी जो मंथली इनकम है वो करीब 15 to 20 lakh रुपीस के करीब है। और वही इनकी जो नेटवर्थ इनकम है वो करीब 12 टू 15 करोड़ रुपीस के करीब है। तो गाइस यही है इंडिया के टॉप 10 माइनक्राफ्ट गेमर के कार कलेक्शन, बाइक कलेक्शन और इनकी नेटवर्क इनकम। तो गाइस इनमें से आपका कौन सा फेवरेट माइनक्राफ्ट गेमर है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।